नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो दोस्तों, बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच टक्कर पहले भी काफी देखी जा चुकी है, तो वहीं पर अपकमिंग फिल्म सालार और डंकी के बीच होने वाले महामुकाबले को पोस्टपोन का साथ मिला है, जहां पर 22 दिसंबर को दोनों फिल्मों का क्लेश नहीं होगा। दरअसल किंग खान की फिल्म को पोस्टपोन किया जा सकता है, जिसकी जानकारी देते हुए सलमान खान का भी इसी बीच बड़ा बयान सामने आया। सलमान खान ने अपने बयान में कहा कि सालार और डंकी आने वाले 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबला विजय बालन ने अपने एक्स अकाउंट पूर्व ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि ऐसा बज है कि शाहरुख खान की डंकी की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। इस वजह से सालार पहले रिलीज हो जाएगी, तो वहीं पर डंकी की रिलीज डेट इस वजह से आगे बढ़ रही है क्योंकि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के काम में थोड़ी देर हो रही है। फिल्म को पोस्टपोन को लेकर किसी प्रकार का अपडेट नहीं मिला है, साथ ही आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। यहां पर खबरों की माने तो डंकी आने वाले साल 2024 में रिलीज होगी, तो वहीं पर किंग खान के अपनोजिट पहली बार तापसी पन्नू नजर आएगी। इसके अलावा सालार फिल्म में प्रभास श्रुति हसन की भूमिका में नजर आएगी। एक्शन भरपूर इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील और लायका प्रोडक्शन काफी रिलैक्स महसूस कर सकता है। अगर इस तरह की खबरें यकीनन सच है तो डंकी से पहले सालार रिलीज होगी, क्योंकि डंकी में अभी काम करना बाकी है और उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी सीन शॉट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिल्म डंकी का समर्थन करते हुए और इसकी डेट को लेकर सलमान खान ने चुप्पी तोड़ी है। बहरहाल दोस्तों, आप सलमान खान की इस महानता को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।